पूरे दिन रात न्यूज। अब सच बिकेगा नहीं दिखेगा। राजधानी के भांकरोटा स्थित जेपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2022-23 के टॉपर विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल प्रिंसिपल नाथूलाल जलूथारिया की अध्यक्षता में सत्र 2022-23 में जेपी स्कूल के जिन विद्यार्थियों ने विशेष उपलब्धि हासिल की उन्हें माला पहनाकर व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय पार्षद राम सिंह चौधरी व दिनेश चौधरी रहे। स्थानीय पार्षद राम सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। क्षेत्र का सबसे पुराना और बेहतरीन स्कूलों में से गिना जाता है और इसमें आज जो समारोह रखा है बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर के जिस प्रकार से बच्चों ने पढ़ाई करी है अच्छे अंक प्राप्त करें स्कूल में तो ये एक उत्साहवर्धन बच्चों के लिए रखा गया है और ऐसे प्रोग्राम बच्चों को उत्साहित करते हैं और आगे और दूसरे बच्चों को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानाचार्य जयप्रकाश नारायण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांचवा आज हमारे स्कूल के अंदर जो हमारे स्कूल के अंदर बोर्ड परीक्षा के अंदर श्रेष्ठ परिणाम दिया था उन बच्चों को आज हमारे विद्यालय के अंदर से जो बच्चों के सामने और स्टाफ वालों के सामने सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इस स्कूल के अंदर आज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हमारे यहाँ पर सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लगाया गया और बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए भी आज हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है राम सिंह जी उनको बुलाकर इसका शुभारम्भ विद्यालय में कर दिया गया है और बच्चों को हर तरीके का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके अंदर भाग लेकर के और अपने घर वालों का देश विदेश के अंदर जा करके और नाम कमाए इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर बच्चों को तैयार करेंगे और उसके अंदर हमने सभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को शामिल किया गया है। विद्यालय जेपी स्कूल में हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नाम पर क्रिकेट टाइकोंडो जिमनास्टिक टेबल टेनिस इंडोर गेम्स इन सभी फैसिलिटीज का इनॉग्रेशन किया है और इनॉग्रेशन जो हमने यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं श्री राम सिंह जी उनके कर कमलों द्वारा करवाया गया है। हमारी संस्था जो है इस क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ का रिजल्ट हमेशा सर्वोत्तम रहा है। इस साल भी बच्चों ने एक सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है जिसके लिए सभी बच्चों का स्कूल विद्यालय परिसर में हमने पार्षद महोदय के द्वारा प्रोत्साहित करके उनको माल्यार्पण किया है और उनको एक मोमेंटो प्रदान किया है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं वो पूर्णतया श्रेष्ठ अध्यापकों द्वारा करवाई जाती हैं और हमारे स्कूल में सभी प्रकार की समुचित लैब और सारी व्यवस्थाएं जो विद्यार्थी के लिए आवश्यक हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध में इस बार सत्र 2022-23 के अंदर हमारे बच्चों ने कक्षा 12वीं में और कक्षा 10वीं के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टॉपर बच्चों को आज क्षेत्रीय पार्षद राम सिंह चौधरी जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा स्कूल में हम पढ़ाई के अलावा सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्रिकेट नेट टर्फ बॉक्सिंग टाइकोंडो कबड्डी की क्लासेस टेबल टेनिस और इंडोर गेम्स में चेस एंड कैरम की सुविधाएँ काफ़ी किफ़ायती दामों पर हम लोग इन चीज़ों को बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी बच्चों को समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। जेपी स्कूल भांकरोटा में रेखा स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से और जेपी स्कूल की तरफ से कम्बाइंड में हम स्केटिंग टाइकोंडो क्रिकेट कबड्डी बॉक्सिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करा रहे हैं और आज एक बहुत बड़ा समारोह था जिसमें हमारी एकेडमी की तरफ से स्कूल की तरफ से दो बच्चे नेपाल काठमांडू में पुमसे के अंदर गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। पढ़ाई करते हैं तो हमें ना मतलब क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए कि ना हम लोग बच्चे से कि समझ लो अपन ना पढ़ते हैं तो जैसे अपन सीखते हैं कि 6 घंटे पढ़ते हैं तो अपन सीखते ना घंटों पर फोकस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 10th में जब पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है।